अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हकीकी तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह है, वो तमाम जहानों का रब यानी पालनहार है। पेड़ पौधे रेंगने और उड़ने और चलने वाले जानवरों को भी रोजी देता है। नाली के कीड़े और कीट पतंगों को भी उनकी रोजी पहुंचाता है। उसने जितने इंसानों को पैदा किया उन सब की भी रोजी का जमीन पर इंतजाम किया। रब्बुल आलमीन इंसानों को सिर्फ रोजी ही नहीं देता बल्कि उन्हें उनकी मादी और रूहानी जिंदगी में तरक्की का भी इंतजाम करता है। वो रब्बुल आलमीन है। वह रहमान है, बेपनाह रहमत बरसाने वाला। दुनिया में उसकी रहमत उसके नाफरमानों के लिए भी है। वो अर-रहमान है, वो उसके नाम मानने वालों को भी हवा पानी रोशनी और दुनिया के साजो सामान और वसाइल देता है। वो अर-रहमान है, वो अर-रहीम है, उसकी रहमत लगातार है। जो उसके कानून पर चलते हैं उसकी रहमियत उन्हें इस दुनिया में और इसके बाद में भी उनके लिए जारी रहती है। वो बदले के दिन का यानी इंसाफ के दिन का मालिक है। हर इंसान के लिए इस दुनिया में भी बदले के दिन आते रहते हैं और इस दुनिया के बाद हकीकी इंसाफ का दिन आएगा। अपने अमल की कोशिश इंसान के इख्तियार में है लेकिन नतीजा और अंजाम मालिक यौमिद्दीन के हाथ में है, इस दुनिया में भी और इसके बाद में भी। वो आखिरत के दिन का और दुनिया के हर दिन और हर लम्हे का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही बंदगी का इकरार करते हैं। हम तेरे कानून से टकराने वाले हर कानून को रिजेक्ट करते हैं। हम किसी सियासी मजहबी और दौलतमंद शख्सियत के बंदे नहीं हैं, सिर्फ तेरे ही बंदे हैं। हम किसी भी वली के बंदे नहीं हैं, हम सिर्फ तेरे ही बंदे हैं। हम किसी नबी की बंदगी नहीं करते, वह भी तेरे बंदे थे, हम भी तेरे बंदे हैं। तेरे हुक्म से हम नबी की इताअत करते हैं। हम कोई ऐसा हुक्म नबी से मंसूब नहीं करते जो तेरे नबी पर नाजिल होने वाले तेरे कलाम से टकराता है। वो भी सिर्फ तेरे बंदे थे, हम भी सिर्फ तेरे बंदे हैं। हम सिर्फ तेरे आगे सजदा रेज होते हैं और तेरे अलावा किसी और को सजदा नहीं करते। हम दुनिया में मौजूद लोगों से मदद तो लेते हैं लेकिन हकीकी मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। हम उन्हें भी मदद के लिए नहीं पुकारते जो तेरे कुद्दूसी लश्करों में शामिल है, जिनकी रजा सिर्फ तेरी रजा है और वो तेरे हुक्म के बगैर किसी की बराह रास्त नहीं सुनते। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रहमान और रहीम, ऐ मालिक यौमिद्दीन, अपने दीन की मदद करने में हमारी मदद फरमा। तेरे दीन की दावत पहुंचाने में हम तुझसे मदद चाहते हैं। तेरे कलाम के इरशाद में हम तुझसे मदद चाहते हैं। ऐ रहमान, हमारी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर। दीन के काम दावत की प्लानिंग में हमारी रहनुमाई कर। प्लानिंग पर चलने में हमारी रहनुमाई कर।
ए रब्बुल आलमीन, अपने कलाम को समझने में और गौर व फिक्र करने में हमारी रहनुमाई कर। हमारे दुनियावी काम की प्लानिंग और उनको करने और कामयाबी के अंजाम तक पहुँचाने में हमारी रहनुमाई कर। हमारी तमाम जायज़ ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमारी कोशिशों में हमारी रहनुमाई कर। उन लोगों की राह पर रहनुमाई कर जिन पर तेरी रहमतों की बारिशें हुई, जो दुनिया और आखिरत में कामयाब हुए। उनके रास्तों से भी बचा जिन पर तेरा गुस्सा और गजब नाजिल हुआ और जिन्होंने अपनी आखिरत तबाह कर ली। और उन रास्तों से भी बचा जिन पर चलने वाले भटक गए और दुनिया की लालच में कामयाबी की राह खो देने वाले रास्तों से भी बचा और आखिरत की कामयाबी की राह खो देने वालों से भी बचा। और उन रास्तों से भी बचा जिन पर चलकर लोग दुनिया में नाकाम हुए और उन रास्तों से भी बचा जिन पर चलने वाले आखिरत में नाकाम होंगे। आमीन।